नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने प्रदेश सरकार पर नशे के माफिया और अपराधियों को संरक्षण देने का बड़ा आरोप लगाया है। अभय ने कहा कि सरकार के इस संरक्षण के चलते ही प्रदेश में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और नशा माफिया युवाओं को बर्बाद कर रहा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और भाजपा सांसदों द्वारा SYL को लेकर उठाए गए मुद्दे पर भी चुटकी ली और कृषि मंत्री के ताश वाले बयान पर भी पलटवार किया। हरियाणा प्रदेश के अंदर जब से BJP की सरकार बनी तब से लेकर के अब तक 3.5-4 साल के इस कार्यकाल के दौरान, खास करके लोगों ने जिस मकसद के साथ इनको चुन करके भेजा था कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक हो जाएगी, इनकी गवर्नमेंट बनने के बाद लॉ एंड ऑर्डर की जो है सबसे बड़ी ज़्यादा दिक्कत आज लोगों के सामने है। आज बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई, फिरौती की घटनाएं बढ़ गई, किडनैपिंग की घटनाएं बढ़ गई, दुकानों के शेड तोड़ने की घटनाएं आज बढ़ गई, पेट्रोल पंप लूटने की घटनाएं भी आज बढ़ गई। और जो लोग इस किस्म के कामों को अंजाम देते हैं उन लोगों को सरकार का संरक्षण ज़्यादा हो गया। यही एक कारण है कि आज ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। अब चुनाव नज़दीक आ गया, मौत सिरहाने आके खड़ी होगी, इसलिए कैसे लोगों के बीच में कल को जाएंगे, तो आज उन्होंने अखबारों में भी कहना शुरू कर दिया और अखबारों के साथ साथ पार्लियामेंट में भी सवाल उठे। वहाँ मेरे ख्याल मंत्री को किसी ने बताया नहीं था या BJP के लोगों को शायद इस बात की समझ नहीं थी, उनको एक ही बात पूछनी चाहिए थी कि 4 साल बाद आज तेरी आंख खुली है, 10 साल हरियाणा प्रदेश के अंदर तेरा बाप मुख्यमंत्री था, तेरे बाप जो मुख्यमंत्री थे तेरे पिता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तब आप लोगों ने अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगाई, तब आपको SYL नज़र नहीं आई। आज SYL नहीं नज़र आ रही, आज तो मतदाताओं के बीच में जाने का रास्ता बनाने के प्रयास हैं। यही हालत केंद्रीय मंत्री की है, यही हालत आपके यहाँ के सांसद की है। ये 10 साल ये सांसद भी कांग्रेस के राज में मंत्री हुआ करता था, इसने तब कभी जिक्र नहीं किया। ये राव इंद्रजीत भी उस कांग्रेस के शासनकाल के अंदर मंत्री हुआ करते थे, तब इनको कभी एक दिन इस बात की चिंता नहीं हुई थी। आज ये चिंता इसलिए करने लग गए कि चुनाव इनके सर पे है, इन लोगों में जाने के रास्ते ढूंढ रहे हैं।